ये सदन गांधी में क्या संदेश डालना चाहता है कि आप जीते रहो 18वीं सदी की व्यवस्थाओं में, उनको अधिकार नहीं है 21वीं सदी की व्यवस्थाओं के अंदर जीने का। और साहब ये जो लोग उकसाते हैं ना, उनके बेटे बेटियां सब लंदन और अमेरिका में के अंदर लड़ाई हो, जरा पढ़े वहां की स्कूल के अंदर, जरा पढ़े वहां की कॉलेज के अंदर, तब मालूम पड़ेगा धारा 370 क्या। 370 के जितने एडवोकेट हैं इनके बेटे पढ़ते, पूछे सब, उनको चिंता नहीं है क्योंकि अपने तो सब कर लिया अच्छे से, मगर घाटी के युवा को आज भी अनपढ़ रखने के लिए, घाटी के युवा का विकास न करने के लिए ये 370 एक बहुत बड़ी बाधक है। और मैं स्पष्टता से मानता हूं मान्यवर, जब तक 370 और 35 से है, कश्मीर के अंदर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। निहायत जरूरी है कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए कि धारा 370 लाई जाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम घाटी के युवाओं को मान्यवर गले लगाना चाहते, उसको एक अच्छा भविष्य देना चाहते, अच्छी शिक्षा देना चाहते, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देना चाहते, वहां इंडस्ट्री लगेगी उसको रोजगार मिलेगा, वहां टूरिस्ट जाएंगे उसको रोजगार मिलेगा, उसको संपन्न बनाना चाहते हैं। बाकी भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी तरह से कश्मीर के अंदर विकास हो, इसके लिए 370 का ऑब्स्टेकल निकालना जरूरी है।